सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो मैं हूं भावित जोशी, मैं हूं प्रियाली जोशी, वेलकम टू बीजे फूड चैनल। सो गाइस, आज मैं और प्रियू एक नई चैलेंज के साथ आ चुके हैं और इस नई चैलेंज का नाम है होममेड ब्लैक बीन नूडल्स ईटिंग चैलेंज विथ चॉप स्टिक। और ये जो आज की चैलेंज है वो है ब्लैक बीन नूडल्स, जो आपको तो पता ही है कि ब्लैक बीन नूडल्स क्या होता है, बट ये होममेड ब्लैक बीन नूडल्स हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि जो ब्लैक बीन नूडल आती है वो नॉर्मली नॉनवेज आती है। ये मुझे कब से ब्लैक बीन नूडल्स खाना था, बट मम्मी बोल रही थी कि नॉनवेज है, ये भी बोल रहा था कि वो नॉनवेज आता है, और मैं बोलता हूँ तो इसको ऐसा लगता है कि मैं मजाक ही कर रहा हूँ, इसको नहीं खाने दे रहा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो मुझे कब से खाना था, मैं सबके वीडियो देखो कि भाई कितना अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, बट फाइनली आज हम होम मेड एंड वेज ब्लैक बीन नूडल्स खाने वाले हैं। सो आज गाइस, पता है सबसे पहले क्या है, लास्ट वीडियो में प्रियू ने पनिशमेंट नहीं भुगती जो हमारी पाव भाजी वाली वीडियो थी उसमें। yes. तो याद है अभी तक? हाँ, तो याद ही होगा ना, मैं तेरी तरह भुलक्कड़ थोड़ी ना हूँ। सो ये जो है कैप्सिकम, वो प्रियू को लास्ट चैलेंज की पनिशमेंट है, वो इसको अभी इंट्रो में कंप्लीट करनी होगी। इतना सारा कैप्सिकम थोड़ी होता है, इतना सारा क्या, हाफ खाऊंगी मैं बस। चल अभी हाफ क्या खाएगी, मैंने तुझे हाफ और दिया है तो चल पूरा कंप्लीट कर ले। ये चीटिंग मत कर ये। अरे तब कैप्सिकम तो तीखा होगा ना, मिर्च की ही जाता है ना। रियो कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसे ये जो कैप्सिकम है वो काफी क्रंची आवाज आ रही है। देखो गाइस, तो बिना चैलेंज के रियो को पहले पनिशमेंट दे दी। तो आज अगर मैं हार गई तो डबल पनिशमेंट हो जाएगी मेरी। अब आज मुझे चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं आज की चैलेंज की तरफ, होममेड ब्लैक बीन नूडल्स की तरफ। तो आप देखो जल्दी जल्दी होममेड ब्लैक बीन नूडल्स। तो चलो अभी हम बढ़ते हैं डायरेक्ट चैलेंज की तरफ। तो लेट्स गो। गाइज, मैं और प्रियु यहाँ पर हमारी ब्लैक बीन नूडल के साथ आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल मैंने फोर ब्लैक बीन नूडल लिए, प्रियु ने भी यहाँ पर सेम फोर ब्लैक बीन नूडल ली है, बट यहाँ पर हमने होममेड सॉस यूज किया है। और ये जो सॉस है वो बना है हमारी मम्मी ने, और लिटरली मैं गाइस ये जो इसकी स्मेल है वो काफी, मतलब काफी बढ़िया है। और अगर मैं अभी तक मैंने रियली में जो रियल ब्लैक बीन नूडल आती है वो रियल में नॉनवेज आती है, बट हम लोग नहीं खाते इसलिए yes. हमने घर पे ये वेज मम्मी ने ये सॉस हमें बना कर दिया। और ये जो नूडल है वो नॉर्मली मैगी नूडल है yes. और जैसे स्मेल इसकी काफी बढ़िया है, और मैं लिटरली बोल सकता हूँ ये जो रियल वाली ब्लैक बीन नूडल आती है ना उसको बढ़िया से टक्कर दे सकती है। और ब्लैक बीन नूडल्स मम्मी ने स्पाइसी बहुत ही बनाई है, स्मेल पर से पता चल रहा है एकदम झनझनाटी हो रही है नाक में। और वैसे देखो आपको कलर में थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, मैंने थोड़ी ज्यादा स्पाइसी बनाई है, और क्योंकि भाई मैं थोड़ा स्पाइसी खाता हूँ, प्रियु ने अभी तक उतनी स्पाइसी नहीं बनाई है, पहले तू टेस्ट कर, अगर तुझे लगे बाद में तू ऐड कर ठीक है, नहीं तो तुझे ज्यादा स्पाइसी लगेगा तू उसमें चैलेंज कम्प्लीट नहीं करेगी। सो चलो गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं मेन हमारी चैलेंज की तरफ और एंजॉय करते हैं हम लोग हमारे ब्लैक बीन नूडल, और वो भी होममेड। आज की मेन चैलेंज पता है क्या है, होममेड ब्लैक बीन नूडल्स ईटिंग चैलेंज। तो चलो, और ये जो चैलेंज है वो हमें पूरी चॉपस्टिक्स में कंप्लीट करनी है। सो बहुत टाइम से हमने भाई चॉपस्टिक यूज नहीं की है, हैबिट तो निकल चुकी है, और वैसे भाई पहले भी कौन से हम लोग चाइना गए थे तो बराबर चॉपस्टिक्स में खाते थे। चल रेडी? सो चलो गाइस अभी हम ये चैलेंज स्टार्ट करते हैं इन 3 2 1 स्टार्ट। ओहो भाई काफी यम्मी है, लिटरली में काफी यम्मी है, और जैसा कि मैंने बोला था ये स्पाइसी है भाई, लिटरली में काफी ज्यादा स्पाइसी है। हाँ गाइस देखो ये इसको मिक्स करने में ही काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो खाने में कितना मिलेगा आप ही सोचो। और आज की
किचन इज मेंट टफ इसलिए थोड़ी है कि हमें चॉपस्टिक से खाना है। अगर हाथ से खाना होता तो एक बार में सब कुछ कम कर ले, एक बार में तो नहीं होते, तीन चार बार पर कम्प्लीट कर लेगा। गए नहीं, दर्द करने लगे। इसको मुझे लिटरली मैं इसको वेकेशन में हिंदी के कोर्स कराऊंगा और मैं भी थोड़े करूंगा। चॉपस्टिक का तो अलग ही फंडा है भाई। मैगी आती है तो बहुत ज्यादा आती है, नहीं आती है तो भाई दो तीन आती है। लिटरली मैंने इतनी ब्लैक बीन नूडल कंप्लीट की, मुझे काफी बढ़िया लगा। बट मुझे एक लहसुन इतना आया जो मैंने पूरा चबा लिया, मेरा पूरे मुंह का टेस्ट निकल गया यार। होता है। तुझे आना चाहिए था। और मैं नूडल्स में ऐसा ही है, मैं हर बार नूडल्स में बहुत ही ज्यादा थक जाता हूँ और हार जाता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे नूडल्स से ही काफी ज्यादा नफरत है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें मैं स्पीड में कंप्लीट कर सकता हूँ, नूडल में मुझे बहुत ही दिक्कत होती है। बाहर से हमने जो ऑर्डर किया था वो मैं कितनी बार मम्मी को बोलूँ कि मम्मी अमेज़न से ऑनलाइन कर ऑनलाइन कर। मैं इसको, रुको, मैं इसको काफी टाइम से समझा रहा था, ये नॉनवेज है बेटा, देख इसको समझना ही नहीं था, बस खाना ही उसको। नहीं मतलब सब खाया था, मैंने सोचा कि नॉनवेज नहीं होगा शायद वेज होगा, इसलिए कब तक पीछे पड़े थे मैं। और फाइनली आज वेज ब्रेड में नूडल्स खाने को मिल गया। लग रहा है मैं वही तो भाई, मेरा एक्शन था यार स्पाइसी का, पेट में मुझे जलन हो रही है कहीं लग रहा है। बट यार हम लोग नॉर्मल मैगी नूडल वाली ये ब्लैक बीन हमारे काम की चीज नहीं है, ये डाइजेस्ट चाइना वाले ही कर सकते हैं बस। हम इतने इतना सारा खाएंगे तो पेट में दर्द होगा, ऊपर से डाइजेस्ट भी नहीं होगा अच्छे से। पर पता नहीं वो लोग कैसे कर लेते हैं, ऐसे उनका मेन फूड ही यही है। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं गिव अप कर दूँ, मैं नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ। लिटरली मैं नहीं, मैं कंप्लीट कर पा रहा हूँ। मुझे काफी ज्यादा स्पाइसी लग रहा है और पेट में भी मेरे जलन हो रही है, जैसा कि मैंने अभी बोला। गाइस आपको क्या लग रहा है कि मेरी प्लेट में ज्यादा महंगी है या भाई की प्लेट में ज्यादा महंगी है? ऑब्वियसली मेरी प्लेट में ज्यादा कम महंगी है। ज्यादा कम महंगी है, ज्यादा महंगी है। तो मतलब क्या तू कंप्लीट कर सकती है तो कोई बात नहीं, अगर तू थोड़ा सा भी बाकी रखेगी तो तुझे भी पनिशमेंट तो मिलेगी। करेगी कंप्लीट है, अगर ये गिव अप नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं। कंप्लीट भाई मैंने थोड़ा ट्राई किया बट नहीं भाई ये नहीं कर सकता हूँ, और प्रियु तो कंप्लीट कर पाएगी। तो ठीक है गाइस, चलो अभी क्या करते हैं, कंप्लीट करने हैं फिर मुझे डायरेक्ट पनिशमेंट देनी है। तू जो बोला क्या करेगा आप बताओ। चल ये दो फिंगर में से कुछ चूज कर, डायरेक्ट पनिशमेंट। कोई नहीं गाइस, चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं मेरी पनिशमेंट की तरफ डायरेक्ट। सो गाइस आज की चैलेंज, भाई हार गया है तो आज भाई को पनिशमेंट मिलेगी। तो तू बता कि आज तुझे कोई मुंह पे लगाने वाली पनिशमेंट चाहिए या खाने वाली पनिशमेंट चाहिए।
देख लास्ट टाइम तो मुझे जो पनिशमेंट मिली थी उसपे मैंने अपने बालों पे लोशन लगाया था। अगर आपने वो वाली पनिशमेंट नहीं देखी है, ऑब्वियस आपने पनिशमेंट नहीं देखी है तो आपने चैलेंज भी नहीं देखी देखी होगी और वीडियो भी नहीं देखा होगा, तो जल्दी से जाओ और वो वीडियो देखो। और वो वीडियो लेटेस्ट वीडियो नहीं है, वो पाव भाजी के पहले वाला वीडियो है। तो चलो कौन सा किया था हमने पाव भाजी के पहले भाई भूल गए, जो हम इतना भूल गए। अच्छा भाई मम्मी को सब कुछ याद रहता है भाई, नहीं तो हम तो क्या करें। कोई नहीं गाइस, चलो अभी हम बढ़ते डायरेक्ट मेरी पनिशमेंट की तरफ। अब तुझे खाना ही ओके। हाँ मैं यहाँ पे दो चीज लेके बैठी थी, लगाने वाली भी और खाने वाली भी। तुम अभी खाने वाली पनिशमेंट देंगे तो ये है, क्या उसको मेथी बोलते हैं ना, मेथी मेथी गाइस, ये है मेथी जो हम वघार में यूज करते हैं। वघार में नहीं, तड़के में यूज करते हैं। हम गुजराती में वघार बोलते हैं उसको। अरे बॉस अभी इतना तो मम्मी एक एक बार दाल बनाती है उसमें भी इतना नहीं आता है। दाल में तो बहुत अच्छा लगता है और गुजराती दाल में तो बहुत ही। चल तू खा ले अभी। ओए रुक तो, बट निकाल गई हूँ बस ऐसे। ओ प्रियु इतना नहीं भाई, इतनी मेथी नहीं होती है यार, नहीं होती है इतनी मेथी, कुछ भी नहीं है। अच्छा बस क्या ये क्या है प्रियु, कम तो किया ना मैंने, तीन दाने कम किए। चुपचाप खा लेना और ये कैसे करके मुंह में रख देना। चल गाइस देखो मुझे इतनी मेथी, हाँ नहीं कर रहा हूँ चीटी, बस देख लिया गाइस ने। चल जल्दी, हाँ वो आ जाता तू खा तो। गाइस देखो मुझे इतनी मेथी खानी है, सोचा अब मैं इसको खाता हूँ। चबा नहीं, चबा नहीं, नहीं चबा नहीं, नहीं गाइस पानी मैंने पिया, मैं निगल रहा हूँ पानी के साथ, तो भाई लिटरली पानी निगल रहा है, वो मेथी रह जा रही है यार। ये इसने बहुत ही ज्यादा मेथी दे दी थी। कोई नहीं, चलो वैसे भी आज की पनिशमेंट में मुझे फिट्टू सो चुका है। मैंने मैंने आज मेथी भले ही खाई, बट को मैंने आज कैप्सिकम भी खिलाया और वो भी स्टार्टिंग में एक ही वीडियो में डबल पनिशमेंट। यस सो गाइस यहीं पे हमारी चैलेंज एंड पनिश दो पनिशमेंट यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करो, चैनल करो, चैनल को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो एंड इस वीडियो पे कमेंट करो और इस वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करो। यस तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।